ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं। एक भक्त ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी जाजन तो बहुत बहुत करते हैं, दीक्षा क्यों नहीं होती है? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, बाल्टी बाल्टी भर दही यदि पानी में डालोगे तो पानी कभी दही नहीं होगा, दूध में थोड़ा सा दही डाल दोगे तो दही जम जाएगा। हम लोग सभी कहीं ना कहीं दूध तत्व थे, जाजन हुआ, जजित हो गए, दही जम गए। बहुत आदमी का दीक्षा तो हो जाता है, दीक्षा के बाद बोलते हैं, अरे दीक्षा तो हो गया भैया, तरक्की उन्नति नहीं हो रहा है। अरे जाजी तो हो गया, दही तो जम गए, दही को मथिएगा नहीं तो मक्खन कहाँ से नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा तरक्की कहाँ से होगा। इन्हें ठाकुर जो विधान दिए ना, जजन जाजा निष्ठ वृत्ति सत्संगी सदाचार, ये पांच विधान जो जितना अपने मन में मथेगा उसका उतना तरक्की होगा होगा होगा, ये श्योर है। हम लोग करते नहीं है इसलिए पाते नहीं है। हम लोग को प्रभु जी क्या सिखलाए हैं, मानुष अपन टाटा पोर जेतो पारिस मानुष दर। आजकल के माँ बाप दिल पे हाथ रख के बोलिए, सभी अपने बच्चे को क्या सिखलाते जानते हैं, टाका अपन मानुष पर जेतो पारिस टाका दर। बचपन से इसलिए मैं छोटी सी कहानी मतलब बताती हूँ। एक स्वामी स्त्री थे, उसके दो तो बेटे थे छोटे छोटे। सभी लोग जाजन करते थे कि दीक्षा लीजिए, बच्चे को दीक्षा दिलाइए, धर्म की बात सिखलाइए। माँ बाप बोलते थे, धर्म टम हम लोग भी नहीं मानते हैं, बच्चा भी नहीं मानेगा। बच्चा पढ़ाई करेगा, टाका कमाएगा, टाका टाका होने से सब होता है। सब कोई जाजन करते करते थक गया, कुछ नहीं हुआ, बच्चे को दीक्षा भी नहीं हुआ। बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे पढ़ाई में बहुत तेज, ब्रिलियंट, IIT टॉपर। विदेश से कॉल आया, करोड़ों रुपए का सैलरी, दोनों बेटा चला गया विदेश, माँ बाप इंडिया में। विदेश से वो लोग इंडिया में नहीं आ सकता, इतना यहाँ सैलरी नहीं है। माँ बाप को मतलब बोला कि आ जाओ यहाँ, माँ बाप गए, पर जो भारत भूमि में रह गया है ना, विदेश के कोई भूमि में मन नहीं लगेगा। तभी तो बार बार भगवान भारत में क्यों जन्म लेते हैं। उस माँ बाप को वहाँ मन नहीं लगा, वो रिटर्न यहाँ आ गए। माँ बाप को खुशी था, करोड़ों रुपया आ रहा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है। धीरे धीरे माँ को पैरालिसिस हो जाता है, माँ बिस्तर पे चली जाती है, आवाज भी चला जाता है। उसके पति उनको सेवा कर रहे, खुश है, पैसा तो है, टाका तो है। एक दिन क्या हुआ, सेवा करते करते पति गुजर गए, बिस्तर पे सोए के सोए रह गए। जब सुबह छह बजा, माँ देख रही है पति अभी तक आए नहीं, ब्रश कौन कराएगा, लैट्रिन बाथरूम कौन कराएगा। बेचारी दो घंटे इंतजार की, 8 बज गया नहीं आए, तो उनको शंका हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। वो अपने आप को बिस्तर से गिराई और सुरक्षित सुरक्षित पति के पास गई, जो उसको फेर रही है, देख रही इसमें तो कोई जान नहीं है। वहां से डाइनिंग टेबल जहाँ पे फोन था वहां तक पहुंचने में उसको 4 घंटा लगा। उस माँ को सुकुरते सुकुरते उसकी माँ वहां तक पहुंची, जैसे तैसे पड़ोसी को फोन की, टेबल ठटपटा के बताई कि कुछ हुआ है। सभी लोग पड़ोसी लोग आए, गेट तोड़े, देखे लास्ट में वो माँ भी मर चुकी थी। बेटा को फोन गया, बेटा को छुट्टी नहीं मिल रहा है, टाका टाका सिखलाया था ना, छोड़ के नहीं आया, बोला तुम लोग लाश जला दो। देखिए करोड़ों की संपत्ति पर लाश कैसा गया, अनाथ की तरह। एक सत्संगी के घर में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो सत्संगी रहता, दीक्षा दिलाई रहती, वो ऐसा नौकरी को भार में जाए, रिजाइन मार के चला आता। जिस कंधे पे बचपन से माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं, वो कंधा जब लास्ट में साथ ना दे तो क्या फायदा। इसी में दाई कौन है, ठाकुर क्या बोल गए, कोड़े कोड़िए जा सिखा भी सही ची हो बे मोखम छेले हिसाबे चल नाई ले पछता भी। हम लोग को एक एक चीज करके दिखला। तभी ठाकुर जी बोल गए, जागो लक्की मार दल तोमरा ना जागीले मागो देशे रमंगोल। आज तक मनुष्य बोलते ना, नेता करप्ट है, करप्शन कहाँ से सीखता है, घर से सीखता है। नेता कहाँ से जन्म लेता है, किसी माँ के गर्भ से। कोई बोलता ना चोर डकैत है, कौन बनाया, एक माँ बनाई। ठाकुर जी की लास्ट स्टोरी बोल के मैं भक्त को शेष करूंगी। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी की आश्रम स्कूल में एक बच्चा मैथ का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। अब मास्टर तो डर गए कि अगर ठाकुर के पास बात गया तो बहुत डांट खाएगा। गए ठाकुर जी पार्लर में थे, ठाकुर जी बोले वो जो बच्चा चीटिंग किया उसमें मास्टर का कोई दोष नहीं है। मास्टर तो बोला हम बच्चे, बच्चा डांट खाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर हंसते हुए बोले उसमें बच्चे का भी दोष मतलब नहीं है। सबको आश्चर्य हुआ, मास्टर का दोष नहीं, बच्चे का दोष नहीं, दोष है किसका। ठाकुर जी हंस के बोले उसमें उसकी माँ का दोष है, जो बच्चा
पॉकेट से पैसा छुड़ाती थी। चोरी के अभ्यास पेट में ही सीखा है। जो महाभारत जानते हैं, जानते ना अभिमन्यु, छह दरवाजा पेट में ही सीखे, सातवा में सो गए। अगर माँ जागी रहती तो अभिमन्यु का मौत नहीं होता। अभिमन्यु का मौत का कारण भी उसकी माँ ही बनी। कहने का जैसे ठाकुर जी बोल गए, जागो लक्ष्मी माय दौल तोमरा ना जागीले मांगो देसे रमंगल। हम लोग का बच्चा हम लोग से ही झूठ बोलना करप्शन सब कुछ माँ से ही सीखता है। इसीलिए हम लोग ठाकुर को मस्तिष्क पे लेके चलेंगे उस हाथी की तरह। जब एक हाथी पे भगवान की सवारी जाती है ना, तो हाथी को प्रणाम करके सब धन होते हैं। जब हाथी पे भगवान का सवारी नहीं होता है तो उसको सब ढेला ईटा मारते हैं। इसीलिए प्रभु को जो जो जन मस्तिष्क पे लेके चलेगा ना, मान सम्मान पाएगा ही पाएगा। और प्रभु जब मस्तिष्क पे नहीं रहेंगे तो कलयुग का ईटा और ढेला खाना ही पड़ेगा। यही बोल के भक्त शेष करती सभी को हृदय से जय गुरु।